नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है राजस्थान संवाद की खास पेशकश छात्र संवाद में। और हम लगातार स्टूडेंट से मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो चल रहा है वो आप मेरे पीछे माहौल देख सकते हैं, वो है चुनावी माहौल। यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स अपने अपने समर्थकों के लिए खड़े हुए हैं और इन्हीं की हम राय जानना चाहते हैं कि इस बार चुनावों में क्या नया होने वाला है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलोनी शर्मा और मैं टीम विकास घोसलिया से हूँ। टीम विकास घोसलिया जी से क्यों, सिर्फ ये ही क्यों अध्यक्ष बनने चाहिए? ये इसलिए अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ की जो महारानी कॉलेज की जो व्यवस्था है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, वो सुधारनी चाहिए। क्योंकि हमें वो सुधारनी है, क्योंकि यहाँ की जो हाइप है महारानी कॉलेज की, उस हाइप के हिसाब से यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो हाइप, जो उम्मीदें लेके बच्चे आते हैं ना यहाँ पर, वैसी काम यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो हाइप है, जो उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स की यहाँ आने के बाद में, वो उनकी फुलफिल नहीं होती जिन्हें पूरा करेंगे विकास जी। और इस बार चुनावों में क्या नया होने वाला है? इस बार चुनाव में यही नया होगा कि मतलब जैसे हम सपोर्ट करेंगे, जो नए न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनकी हेल्प करेंगे। वैसे कॉलेज में हम बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं कि हम मतलब कॉलेज, इतनी बड़ी कॉलेज में जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, लेकिन यहाँ पे वो जो होता नहीं है, जो हम सोच के आते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता क्लासेस वगैरह कहाँ लगती है, कब क्लासेस लगती है, हमें एक महीना ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब हमारी टीम हम लोगों का मतलब जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनका सपोर्ट करेंगे और मतलब पूरा समर्थन हमारा उनके साथ रहेगा। फाइनल गोल क्या है आपका? कि स्टूडेंट्स की, न्यू स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उनका जो मतलब जिस मेन से वो आ रहे हैं उनका वो पूरा करना। तो यहाँ पर विकास घोसलिया जी का जो मेन मुद्दा है वो है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, सपोर्ट करना, लगातार उन्हें इन्फॉर्म करना, और जो डेकोरम है रियलिटी में महारानी कॉलेज का वो लोगों के सामने आए कि किस तरह से महारानी कॉलेज जो प्रमोट करता था स्टूडेंट्स को, वो आज भी लगातार प्रमोट करता है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उन्हें दूर करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन? लगातार ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स वन वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल एक सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व पेपर्स वन वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एक सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न एक सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीसीओएम, एमए, एमएससी, एमसीओएम पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट वन वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सभी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट वन वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व पेपर्स वन वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स वन वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।